What is up? हम लोग जा रहे हैं देहरादून as planned. तो बनी के छोटे भाई निपुन की शादी है तो हम उसके लिए जा रहे हैं. मैकडॉनल्ड्स में हम लोगों के साथ एक सीन हो गया. ये लाइन है वहाँ पे ट्रैफिक देखो आप कितना हो रखा है. We've reached the famous घंटाघर जो इस बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया है. So this is me, mine and Abhishek's hotel that we booked. भाई लंच हमारा आ गया है. This is butter chicken and this is तंदूरी रोटियां. अरे यार बटर बोलना भूल के क्या मैं उसको बोला तो था मैंने. मंगा दे क्या बटर अभी? नहीं नहीं चलेगा. अभिषेक इज ऑल्सो रेडी. आई एम ऑल्सो रेडी बिकॉज हमने डिसाइड किया कि गर्मी बहुत है तो इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया हम टी शर्ट पहनेंगे. Okay, so me and Abhishek are ready, all set to go. हमारी कैब भी आ गई है. That's a cab. So जिस टाइम पे हम लोग यहाँ पे कॉलेज में थे बैग को बता दो. आओ भैया इसको थोड़ा पीछे. So जिस टाइम हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे उस टाइम यहाँ पे ओला उबर नहीं थी. और उस टाइम पे ओला उबर थी भी नहीं थी. कहीं पे भी नहीं थी ना. हाँ बट उस टाइम पे टैक्सीज वगैरह का भी सिस्टम बहुत कम था इधर. यहाँ पे विक्रम चलते थे और विक्रम में हमने बहुत ट्रैवल किया है और हम डेफिनेटली विक्रम में फिर से ट्रैवल करेंगे शाम के टाइम में जब थोड़ी सी गर्मी कम होगी. भैया एसी चला दो. नाउ वी आर ऑन द वे. हम अब मेघा को पिक करेंगे एंड देन वील गो टू कॉलेज. यो मेघा इज ऑल्सो हियर नाउ. वी आर ऑल सेट टू लीव. भैया मैं तो आपसे ज़्यादा टेंशन में हूँ. मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे बच्चों की टेंशन है. हाँ बच्चों की टेंशन है तो फिर आप गाड़ी थोड़ा सा उनके भरोसे मत बैठो जो सामने से आ रहा है. आप अपने भरोसे चलिए. दो बार आपने बहुत डेंजरस कट मारा है इसलिए कह रहा हूँ मैं तो. एंड गाइस वी हैव रीच्ड. दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ माय कॉलेज. हम जब थे तो ये कॉलेज था अब यूनिवर्सिटी बन गया है. एक स्टूडेंट है नवीन सिंगल सर ने बुलाया. एंड नाउ माय कॉलेज लुक्स लाइक दिस. दिस इज द फुल मैप ऑफ द कॉलेज. ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना ये ग्राउंड ये तो अब बहुत इवन कर दिया इन्होंने. पर पहले बहुत थोड़ा सा इतना इवन नहीं था जितना अभी दिख रहा है. और यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करते थे. ये बसेस नहीं थी पहले, अब बसेस भी आ गई. एंड ये नई बिल्डिंग बनी है, ये नई बिल्डिंग बनी. बहुत सारी बिल्डिंगें नई बन गई है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. बट द फील इज स्टिल द सेम एंड इट फील्स रियली गुड, रियली इमोशनल टू कम बैक टू द कॉलेज. और सबसे पहले हमारे कॉलेज में एंट्री करते ही राइट साइड पर आती है वो चीज़ जिसके लिए हम लड़के लोग रोज शाम को एक दो चक्कर तो लगा ही लेते थे. गर्ल्स हॉस्टल. ये है गाइस गर्ल्स हॉस्टल की मेन एंट्रेंस है ये. हमें सिर्फ यहीं तक अलाउड होता था खड़ा होना, उसके अंदर हमें आज तक नहीं जाने दिया. पर हम एक बार गए थे. आगे पार्किंग है, लेफ्ट में लगा लो. हेलो. हाँ गुड आफ्टरनून सर, हम लोग पहुँच गए सर पार्किंग में. चाणक्य बिल्डिंग. ठीक है आते हैं. ठीक है सर. ओके सर ने बोला चाणक्य बिल्डिंग है उसके ऑफिस में आ जाओ. मेन एंट्रेंस मेन ऑफिस ये यही है यहाँ पे. और यहीं पे जब मेरी अभिषेक की और मेघा की कैंपस प्लेसमेंट हुई थी तो इधर ही अनाउंस हुआ था रिजल्ट. तुम लोग बहुत टाइम बाद आ रहे हो ना. बहुत टाइम बाद. मैं तो अभी भी आया था पिछले साल, मानस के साथ भी आया था यहाँ पे, बट तुम लोग तो बहुत टाइम बाद आ रहे हो. और ये मेरे पहले गुरु जी जिनसे मैंने पिछली बार भी मिला था नवीन सिंगल सर. हेलो बेटा खुश आपने सीरियल देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है उसमें भद्रसाल जी है हमारे. जी जी आइए छोटा मोटा. आइए नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार. ये देखिए हमारा परम शिष्य एलुमनाई है और इतना बड़ा कलाकार बन गया है कि 1 करोड़ हमें भी दिला दे. अरे सर 2005 to 2009 बैच मिस्टर कमलजीत राणा प्लीज कम ऑन स्टेज नाउ. मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमलजीत राणा जी को क्यों बुलाया. आपने सभी ने सोनी टीवी सीरियल देखा होगा. yes, उस पर देखा होगा एक सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य. पुष्पा नहीं आया उसका. तो चंद्रगुप्त मौर्य में करेक्टर था भद्रसाल. तो प्लीज वेलकम भद्रसाल ऑन योर डेटिंग. On your favorite party and I am thankful to Mr. Kamaljeet Rana who accept my invitation
to join this function. Yes, Kamaljit, can you say something to our student? Hello! I wish you all the best and best of luck for your future. Thank you. ये हमारा फर्स्ट ईयर में हॉस्टल था ये वाला, तो मेरा जो रूम था वो था ये बालकनी थी, ये रूम था मेरा, और अभिषेक का रूम था वो ये वाला ऊपर वाला रूम. दिस वॉज फर्स्ट ईयर का हॉस्टल. और सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में तो हम लोग बाहर चले गए थे, सेकंड थर्ड ईयर में हमारा पीछे था इसके. ये हमारी मैस है जो पहले सिर्फ इतनी हुआ करती थी, अब ये बड़ी हो गई है. तो इसके पीछे जो है अब हॉस्टल है सेकेंड और थर्ड ईयर का. सर वो बिल्डिंग वैसे की वैसी है, थोड़ा चेंज हुआ है वैसी है वो. सो वी हैव कम टू द फिफ्थ फ्लोर कैफ़े, जो हमारे टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं था. एंड अब ये ओपन टेरिस कैफ़े बना दिया स्टूडेंट्स के लिए. एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू. ये हमारे हॉस्टल हैं सारे, ये हॉस्टल हैं. पीछे जो आप देख रहे हो ना, अगर आपको दिख रहा है वो, ये जो मिट्टी टाइप प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको, ये पहले नहीं था, पहले पूरी खाई थी यहाँ पे. अब पूरा भर गया, पूरा कैप्चर कर लेंगे आगे इसको. बट दिस इज़ एन अमेजिंग व्यू. भाई क्या व्यू है यार, ये नहीं था अपने टाइम पे. नहीं ये चाहिए था, ये चाहिए. जितनी थोड़ी बहुत भी हम लोगों ने अगर पढ़ाई की ना, है, अगर ये व्यू उस टाइम पे होता ना, ये थोड़ी बहुत भी जो पढ़ाई हमने की ये हम बिल्कुल नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है. नहीं, और ढाबा का इनकम बहुत कम हो जाता है. ढाबा का इनकम जाते नहीं हम तो, हम लोग यही रहे. पर मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसे थे कि हमें बाहर जरूर जाना होता. हाँ वो है, ढाबे वाला वो कीड़ा है हमारे अंदर, ढाबे पे बैठने वाला. नहीं, और यहाँ उधारी भी नहीं चलता ना. हाँ, सबसे बड़ा मैटर तो वही था. चश्मा लगा लेते इसी बात पे. पूरा चेंज. अरे वो ये सब देखो, पूरा कवर कर दिया यार, पूरा ग्रीनरी तो मिटाई दिया है उधर से. वो साला एरिया जो है जितना भी, ये पूरा का पूरा बन रहा है, इधर क्या बन रहा है? अबे हयात रिजेंसी खुल गया. अबे मुझे तो सबसे बड़ी वो हो रही है एकदम. गाइस ये हमारी फर्स्ट ईयर की क्लास का बैक साइड है. तो ये जो खिड़की थी ना, टीचर वहाँ अंदर से अटेंडेंस लेती थी, और अटेंडेंस जैसे पूरी होती थी, प्रेजेंट बोल के खिड़की से सब बाहर निकल जाते थे यहाँ से इधर. एक बार मेरे एक दोस्त यहाँ बीच में ऐसे पकड़ी हो. बहुत ग्रेट टाइम वी हैड. अब हम कॉलेज से जा रहे हैं. हमने सोचा था कि एक घंटे में कॉलेज निपटा के निकल जाएंगे, बट हमें ऑलमोस्ट आई थिंक क्लोज टू 3 आवर्स हो गए यहाँ पे कॉलेज में घूमते हुए. इतना नॉस्टैल्जिक फील है, इतना नॉस्टैल्जिक फील है मुझे. मतलब मैं पहले भी आया था ना 1.5 साल पहले, लेकिन आज मुझे ज़्यादा नॉस्टैल्जिक इसलिए लग रहा है बिकॉज मेरे बेस्ट बडीज़ मेरे साथ हैं. और अपन अपनी क्लास में भी गए, वहाँ भी बैठ के देखा हमने. लॉक था, बैठ के नहीं देखा, मतलब बाहर से देखा. एंड टीचर को वीडियो लगाया और पहचान गए. हाँ, अरे देयर वाज दिस हमारी एक टीचर थी जिनसे हम मंडे को फिर से मिलने आएंगे फॉर श्योर. तो उनको वीडियो कॉल किया, उन्होंने पहचान लिया. वो भी बहुत खुश हुई हमको देख के. And so it was such a great feeling to come back to college. And अब time to go back. So we have booked our cab. Cab bus कभी किसी भी moment आ सकती है. Now we walking towards the main gate, and then we'll take the cab. So I thought I'll end the day, but I did not. So हम लोग क्या कर रहे थे, हम कोई जगह देख रहे थे जहाँ पे हम बैठ के थोड़ी देर relax कर सके, आराम से बातें कर सके. Megha has gone to the hotel, but me and Abhishek are here, and we'll sit now. मैं आपको view दिखाता हूँ यहाँ पे. Look at this view. तो ये कोई जगह है जिसका नाम है, क्या नाम था इसका, द वाइट हाँ, द वॉल स्ट्रीट. सो ये राजपुर रोड पे देहरादून पे कोई जगह है जिसका नाम है द वॉल स्ट्रीट. ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट कम बार, रेस्ट्रो बार. सो हम लोग वो आ गए हैं. तो इसमें दो सेक्शन थे, एक तो ये देखो इंडोर सेक्शन, अगर आपको यहाँ से दिख रहा है. You see that that's the indoor section that is there. Then this is one open area, open section which is there, and then there is this. ये मचान टाइप बोलते हैं, यहाँ पे मचान बोलते हैं ऐसी चीज़ों को. सो इट्स लाइक यहाँ से आप ऊपर चढ़ के आओगे और यहाँ बैठोगे. सिर्फ एक दो टेबल हैं इधर सिर्फ. ब्यूटिफुल प्लेस. नाउ वी गोना सिट हेयर आराम से थोड़ी देर तक रिलैक्स करेंगे, जब तक आई थिंक बनी भी फ्री हो जाएगा. और बनी विल ऑल्सो जॉइन अस. इस ब्लॉग के लिए इतना ही. अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देख लिया और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. दिस इज कमल जी राणा साइनिंग ऑफ. बाय.